गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ रहा हूँ। आज गाइस मैं बनाना चाहता था वाइट सॉस चिकन पास्ता, ठीक है। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, थोड़ा घर से भी हेल्प लिया है, ठीक है। तो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कि वाइट चिकन सॉस पास्ता कैसे बनेगा। ये एक पास्ता मैंने लिया है मार्केट से, आपका दिल करे आप कोई भी पास्ता ले लो। वैसे ये वीट वाला पास्ता है क्योंकि मैदा तो सही बोलते खराबी कर रही है तो अवॉइड करते हैं लोग, तो मैंने वीट वाला लिया है पास्ता। अभी मैं इसको थोड़ा बॉइल करूँगा, ठीक है। तो गाइस देखिए मैंने पास्ता कंटेनर में ले लिया था ग्लास में और मैंने पानी चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। अभी मैं इस पर पास्ता को डालूंगा थोड़ी देर बाद और पानी बॉईल हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं गाइस कि डाल कर उसको बॉईल करना है, ठीक है। ये गलतियां मैंने पहले की है। अभी अपने को क्या करना है गाइस, इसमें पहले पानी बॉयल होने लगे, पूरा पानी फूटने लगेगा तब अपन उसमें पास्ता डालेंगे, नहीं तो पास्ता पूरा हलवा बन जाएगा। मैंने पास्ता उसमें डाल दिया है, ठीक है। पानी बॉयल हो रहा था, मैंने थोड़ा ताव को थोड़ा कम किया है, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा बॉयल होने का वेट करते हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे और क्या क्या, उसके लिए मैं तब तक बाकी सामान रेडी कर लेता हूँ जब तक ये बॉयल हो रहा है। तो गाइस देखिए मैंने एक तरफ मेरा पास्ता बॉयल हो रहा है और एक तरफ मैंने चिकन को भी डाल दिया बॉयल होने के लिए। तो गाइस चिकन में क्या करना है कि हमें बोनलेस बनाना है इसको, तो हड्डी निकाल लेना। आप बाहर से ये बोनलेस चिकन भी लेके आ सकते हो, मेरे में थोड़ा बोन था तो मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, इसका फ्लैश मैं निकाल लूँगा, ठीक है। उसको मैं पास्ता में डालूंगा। तो गाइस अभी है बाकी चीज़ों को मैं थोड़ा अभी और मतलब सब जुगाड़ करके आगे बढ़ाता हूँ वीडियो को। हे गाइस देखिए मेरा पास्ता बॉयल हो गया, मैं इसको ड्रेन कर लेता हूँ, पानी निकाल देता हूँ और उसको मैं थोड़ा हवा में रख देता हूँ कि उससे वो थोड़ा सूख जाए तो मैं उसको बनाने में इजी हो जाएगा मेरे लिए। गाइस तो मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो गया था क्योंकि मैं बाकी चीज़ों को रेडी कर रहा था। तो गाइस मैं अपने पास्ता में डालने जा रहा हूँ। तो देखिए मैंने कैप्सिकम काट लिया है, ठीक है। थोड़ा मैंने प्याज काट लिया है। अब प्याज देखना इस तरह से काटना, आपको शायद नहीं पता होगा गाइस, लेकिन प्याज आप जितने ज़्यादा अलग अलग तरीके से काटते हो उसका टेस्ट उतना अलग अलग होता है। सलाद के लिए अलग है, खाने के लिए अलग है, ठीक है। तो पास्ता के लिए मैंने अलग से काटा है गाइस। ये देखिए मैंने थोड़ा गार्लिक भी काट लिया क्योंकि इससे टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, अच्छा लगता है खाने में। और गाइस मैंने कॉर्न डाला है, वेज में भी डलता है, नॉन वेज में डलता है। कॉर्न को थोड़ा मैंने बॉयल कर लिया है, ठीक है। तो ये एक अलग से टेस्ट देता है। और गाइस ये चिकन तो आपने अभी देखा था मैंने बॉईल किया था, तो इसको मैंने अच्छा शेड कर लिया, इसके सारे बोन्स मैंने निकाल दिए हैं, ठीक है। तो गाइस इन सारी चीज़ों से भी मैं पास्ता बनाने जा रहा हूँ। गया है गर्म भी हो गया, तो मैं इसमें डाल रहा हूँ बटर, ठीक है। गाइस बटर जल ना जाए इसलिए मैंने ताव को थोड़ा कम कर दिया है और इसे थोड़ा मिला देता हूँ। गाइस अब मैं इसमें डाल रहा हूँ गार्लिक, ठीक है। और देखिए इसको थोड़ा अभी इसको भूंजूंगा गार्लिक को, ठीक है। गाइस तो देखिए मैं थोड़ा गार्लिक को मैंने बटर में डाल दिया है, तो थोड़ा ये बटर का टेस्ट मतलब गार्लिक का टेस्ट बटर में आ गया है, ठीक है। और अब गाइस मैं इसमें डालने जा रहा हूँ अनियन। तो अनियन को भी गाइस हम लोग एक मिनट तक इसको भी फ्राई करेंगे, ठीक है। गाइस मैं आपको एक इसमें अच्छा टिप देता हूँ कि आपको मार्केट में गार्लिक वाला बटर भी मिल जाएगा, आप उसको भी ले जाएगा, जैसे रॉ गार्लिक नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है। आप देखिए गार्लिक भी थोड़ा रेड हो गया होगा तो आपको दिख नहीं रहा होगा उतना क्लियरली, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, एक मिनट तक आपको प्याज को भूनना, हल्का हल्का ब्राउन हो जाए, ठीक है, रेड नहीं ब्राउन हो जाए, तो थोड़ा उसको हम लोग निकाल लेंगे। क्या करो गाइस मैं अब मैं कैप्सिकम डाल रहा हूँ, ठीक है, जिसको शिमला मिर्च कहते हैं। गाइस पहली बार कुकिंग करो तो आप लोग जो भी गलती हो मेरे को माफ़ कर देना थोड़ा, ठीक है, मुझे माफ़ करना, ओम साई राम। अभी इसको थोड़ा अगर मैं हीट दे रहा हूँ तो ये देखिए ये भी हल्का हल्का ही फ्राई करना है गाइस, पूरा एकदम ब्राउन नहीं कर देना है, ठीक है। तो वीडियो के थ्रू आपको स्मेल तो नहीं बता सकता, लेकिन ऐसे बहुत सुंदर उसमें स्मेल खुशबू स्मेल खुशबू आ रही है, ठीक है। गार्लिक के और बटर की इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। अब कॉर्न को भी गाइस ज़्यादा नहीं, थोड़े देर ही बस फ्राई करना है इसको, फ्राई नहीं करना मतलब हल्का इसको भी बस गर्म करके लाल कर मतलब ब्राउन कर लो। तो गाइस देखिए कॉर्न को भी हम थोड़ा ब्राउन कर रहे हैं, क्या था उसको मैं डाल रहा हूँ। अब थोड़ा गाइस इसको पकाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो चिकन आपको थोड़ा कच्चा कच्चा सा लगेगा, ऐसे बॉइल्ड है तो टेंशन नहीं, कोई बात नहीं गाइस, मैं तो उसका सूप भी बना के पी जाता हूँ। बोला
अब मैं इसमें नमक डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डाल लेना ठीक है। और इसमें थोड़ा गाइस मैं भी डालूँगा ब्लैक पेपर, तो इसको भी अपने अंदाज से गाइस डालना आप लोग ठीक है। इसके बाद इसे मैं थोड़ा भी मिलाऊँगा। तो गाइस ये जो हम लोग इसको फ्राई कर रहे हैं या कुछ बोलना, इस प्रोसेस को ऐसे बोलते हैं सॉटे करना ठीक है। अब ये टर्म्स को उतना याद रहता, मैं इतना कुक नहीं हूँ ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने ये यूट्यूब पे देखा था टर्म, तो मैंने भी आपको बता दिया इसको कहते हैं सॉटे करना ठीक है। ऐसा थोड़ा मिला दो गाइस। देखिए ये एक आता है ठीक है, इसे चीजी पास्ता सॉस मिक्स कहते हैं, आप इसको मैदे से ही बना सकते हो ठीक है। तो इससे गाइस क्या ना टेस्ट आएगा, वाइट सॉस पास्ता में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं ठीक है। तो ये देखो गाइस मैं इसको भी डाल रहा हूँ। ये स्टार्च फॉर्म में गाइस रहता है ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा कुकिंग इजी हो जाएगा। मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या क्या है मिक्स। मैंने अभी पास्ता का जो सॉस मिक्स डाला है, तो मेरे से तो गलती हो गई गाइस कि मैं आपको इसका इंग्रेडिएंट्स क्या क्या था मैं बता नहीं सका ठीक है। तो ये मैंने काट दिया था ऊपर से। इसमें गाइस है मिल्क सॉलिड ठीक है, स्टार्च और थोड़ा आयोडाइज सॉल्ट, स्पाइसेस कार्डियम है, गार्लिक है, रेड चिली है, ब्लैक पेपर है, कोरिएंडर है ठीक है, चीज़ पाउडर है। तो गाइस मतलब कि आपको अलग से सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको डालते हो। मैं अभी पहली बार ही यूज़ कर रहा हूँ ठीक है, मैंने भी देखा है। तो इस मैंने इसमें पूरा ही देखिए डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा मिला दे रहा हूँ ठीक है। अब इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है गाइस, जितना अपना मसाला अलग अलग से डालूंगा तो मैं परेशान हो जाऊँगा ठीक है, इसीलिए मैं इसमें पूरा ही डाल चुका हूँ उसको। और इसके साथ इसको मैं अभी मिक्स कर दे रहा हूँ। अच्छा दूध डाल रहा हूँ ठीक है, तो आप लोग इसको चटनी थोड़ा यूज़ कर लेना ठीक है, क्योंकि इसमें मलाई नहीं जाना चाहिए। और दूध देखिए मैंने जब दूध इस पर डाल लिया था, तो अब मैं उसको वैसे कंटिन्यूसली आप इसको थोड़ा हिलाते रहिए, स्टेयर करते रहिए ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए कैसे उसमें मसाला हमने डाला है ना, वो गांठ गांठ सा बैठ जाएगा ना, तो मुंह में आएगा अच्छा नहीं लगेगा, वो अजीब सा लगेगा आपको खाने में। तो क्या है ना कि मैंने जब उसको सॉटे किया था तो वो क्या आपस में मसाले सब चिपक गए थे। तो आप इसको आप हल्का स्टेयर करते रहिए, हल्का का दूध कैसे हिलाते रहिए, तो ये क्या है कि वो मिक्स हो जाएगा उसी में ठीक है। तो ये आस्ते आस्ते करते रहो गाइस ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसमें कोई भी और हर्ब्स मत डालना, कुछ भी अलग डालने की आपको ज़रूरत नहीं। आपने वो पैकेट डाल दिया, फिर भी अगर आपको दिल कर रहा है कि आपको टेस्ट के हिसाब से अगर लगता है कि चीनी बोला नमक कम है या फिर आपको कुछ भी कम है, तो आप उसमें डालो। वरना इसमें ब्लैक पेपर, कोरिएंडर सब कुछ इसमें डाला हुआ है ऑलरेडी ठीक है गाइस। तो आप इसको ऐसे हिलाते रहो, थोड़ा ये गाढ़ापन आ जाएगा। देखिए ये थोड़ा अभी हल्का हल्का गाढ़ा हो रहा है ठीक है, तब तक के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है मोज़िला मिल्क मिस्ट का, एक्चुअली मोज़िला चीज़, तो आप इसको ऐसे डाल सकते हैं इसके लिए, ये बहुत ही गाढ़ा कर देगा इसको, इसका टेस्ट अलग आएगा। तो देखिए मैं इसमें थोड़ा डाल रहा हूँ, आप भी अपने क्वान्टिटी के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि क्वान्टिटी मेजर करके मेरे साथ एक न्यू कमर एक न्यू कुक को तो बहुत मुश्किल है ठीक है बताना। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी डाल दिया है, थोड़ा सा मैं और अच्छा कुक बन जाऊँगा तो मैं आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ कितना कितना डाल रहा हूँ। अभी तो गाइस ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है मेरा, बहुत इजी है गाइस बनाना वैसे। अब गाइस जब चीज़ आपने डाल दिया तो देखो मेरा चीज़ थोड़ा सा ना यहाँ पे ढीला ढीला सा है ठीक है, तो इसको मैं हल्का हल्का इसमें चलाऊँगा कि चीज़ इसमें पूरा मिक्स हो जाए सॉस के साथ। गाइस जिस मुहूर्त का आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, अब ये बॉयल किया हुआ पास्ता मैं इसमें डाल रहा हूँ अपने नाजुक हाथों से। तो गाइस ये देखिए कितना सारा पास्ता मैंने बना लिया है। तो गाइस मैंने पास्ता इसमें डाल दिया है, अब इसको थोड़ा अच्छे से मैं चला दूं कि पूरा जितना भी मैंने सॉटे बनाया है या फिर आप इसको ग्रेवी बोलो इसका या क्रीम बोलो, ये पास्ता में थोड़ा अंदर तक जाए, मिक्स हो जाए। या तो क्या होगा आपको पास्ता थोड़ा अजीब सा लगेगा खाने में, इसमें कोई टेस्ट ही नहीं लगेगा, कच्चा कच्चा सा लगेगा ठीक है। तो गाइस आप इसको ऐसे पूरा मिक्स कर दो, पास्ता हर जगह मतलब पूरा फैल जाना चाहिए। आप अगर इसमें देख रहे हो ना बीच बीच में, तो चीज़ डालने के कारण क्या हो रहा है थिकनेस आ गई है पूरा, अब इसको ये सॉलिड कर रहा है। तो गाइस देखिए हमारा पास्ता जो है बन के रेडी है, आप इसे प्लेट में निकालता हूँ तो गरम गरम खाया जाएगा। गाइस देखिए मेरा पास्ता बन गया है,
गाइस मैं बता रहा हूँ, बहुत ही खुशबू आ रही, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी, ठीक है। तो इसे अभी खाएंगे गाइस हम लोग। आप ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरा वीडियो देखते रहिए, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर कुछ नया लेकर आता हूँ, ठीक है। जब टाइम मिलेगा एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, क्या है उसमें।